हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 4th सितंबर टू 8th सितंबर 2023। पिछले वीक में निफ्टी ने किस तरह की मूवमेंट दिखाई हुई है उसका भी हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एंड वेरी क्विकली मैं आप लोगों के साथ मेरी गूगल शीट शेयर करता हूँ जिसमें हम लोग वीकली एनालिसिस करते रहते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज़ माई गूगल शीट। मैंने एक ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है कौन से वीक का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। एंड उसके पहले हम लोग पिछले वीक का डेटा देख लेते हैं। पिछले वीक मतलब 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर वाला जो वीक था उसमें निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट किया था और हमने कौन सी आयरन कॉन्डोर सजेस्ट की हुई थी वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और उसमें हमने 1.2% का रिटर्न अचीव किया हुआ है। वो रिटर्न जो अचीव किया है उसका जो प्रूफ वाला वीडियो है वो मैं जस्ट यहीं पर ही मर्ज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो वीडियो आप फटाफट से देख लीजिए एंड देन विल कम बैक टू द वीडियो। हेलो ट्रेडर्स, आज 31 अगस्त 2023 है एंड पिछले वीक जो मैंने वीकली एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आयरन कॉन्डोर सजेस्ट किया था। वो कौन सा था वो सीधा मैं आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड यहाँ पर 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर वाला जो वीक है उसका वीकली एनालिसिस मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। एंड उसमें मैंने आपको आयरन कॉन्डोर सजेस्ट किया हुआ है। कौन सा वाला? 19,600 के कॉल को सेल करना है एंड 18,950 के पुट को सेल करना है और दोनों को 200-200 पॉइंट से हेज करना है। तो वो मैंने हेज कर दिया था और मैंने एक वर्चुअल ट्रेड लिया था क्योंकि मैं ओरिजिनल ट्रेड नहीं लिया इसमें। मेरा ऑलरेडी अगस्त मंथ का आयरन फ्लाई का ट्रेड चल रहा था इसलिए। सो ये वर्चुअल ट्रेड मैंने कब लिया? 31 अगस्त की एक्सपायरी वाला ट्रेड टेकन ऑन 28 अगस्त सुबह 9:17 को। सो आप यहाँ पर कैलेंडर पर देखेंगे सो 28 अगस्त को मैंने ये ट्रेड लिया था मंडे को सुबह 9:17 को 9:17 AM को मैंने ये ट्रेड लिया था। और उस टाइम पे यहीं कहीं पर मार्केट था एंड आप देखें ये आयरन कॉन्डोर के बीच में ही मेरा मार्केट एकदम सेंटर में क्लासिक स्टाइल में एक्सपायर हुआ है एंड मेरे को बैठे बैठे 595 रुपीज़ मतलब 1.2% का प्रॉफिट मिला है। सो अगेन ये आयरन कॉन्डोर भी सक्सेसफुल निकली। अगर किसी ने 10 लॉट या 20 लॉट या 50 लॉट से किया होता तो उसका रिटर्न जो है वो उस हिसाब से होता। तो मैं बिना टाइम गवाए फटाफट से इसमें लिख देता हूँ क्योंकि मैं वैसे ही लिखता हूँ एग्जैक्टली इसके जैसा। तो इसको मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करके यहाँ पर पहले पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक किया है हम इसको ग्रीन में रखेंगे एंड लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी मिला है PROFIT इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट मिला हमको 595 विच इज़ 1.2%। सो 595 ब्रैकेट करता हूँ मैं 1.2% ब्रैकेट ओवर। सो दिस ट्रेड वॉज ऑल्सो ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। लाइक सो अब तक कितने हम लोगों ने आयरन कॉन्डोर सजेस्ट किए हुए? मैं इसको छोटा कैसे करते हैं? ये गूगल शीट, हम एक्सेल वाले हैं ना तो गूगल शीट कम आता है हमको। एनीवे हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4 बार सजेस्ट किया हमने। ओके 1000 का प्रॉफिट पहले आयरन कॉन्डोर में, दूसरी कॉन्डोर में 450 का प्रॉफिट। परसेंटेज गिनते हैं 2.1%, 0.9% मतलब 3%, 1.2%। सो विच इज़ कितना होता है 3 + 1.2 कितना होता है 4.2। तो मैंने 3 हफ्ते में 4.2 का रिटर्न अचीव करके दिखाया आपको आयरन कॉन्डोर में। बस तो ये वीडियो यहीं पे ही स्टॉप करता हूँ। दूसरा वीडियो जो है वीकली एनालिसिस का वो इसके पीछे स्टार्ट हो रहा है। ओके सो वेलकम बैक टू द वीडियो। अभी हम लोग सीधा वेरी क्विकली निफ्टी के आने वाले वीक का एनालिसिस करेंगे। सो प्रीवियस वीक का डेटा एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस वीक में निफ्टी ओपन हुआ था 19,298 पे, क्लोज हुआ है निफ्टी 19,435 पे। हाई मारा है 458 का एंड लो मारा है 223 का। एंड इंडिया विक्स क्या है वो हम देख लेते हैं वेरी क्विकली। सो ये इंडिया विक्स का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। यहाँ पर 11.37 पर इंडिया विक्स ने क्लोजिंग दिखाई है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11.37 एंड आई हिट द एंटर। ये जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर मुझे निफ्टी की वीकली मूवमेंट मिल गई, एक रेंज मिल गई। 306 पॉइंट अप जाएगा, 306 पॉइंट नीचे जाएगा एंड उसके हिसाब से निफ्टी अप साइड में 19,741 तक जा सकता है आने वाले एक वीक में एंड 19,128 पर आ सकता है। ये हम लोगों ने इसका रेंज बना लिया। अब हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे। निफ्टी के चार्ट में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसका चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, कैंडल फॉर्मेशन कौन सी हुई है, वो सब हम देखने का ट्राई करेंगे एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग यू ऑल टू निफ्टी चार्ट। सो ये निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि मैंने एक चैनल बनाया हुआ था वो चैनल को निफ्टी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ फॉलो कर रहा था, लेकिन ये जो कैंडल जो दिख रही है ना यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर्कल वाली, ये बड़ी सी रेड कैंडल जो है वो कैंडल से लेके
निफ्टी चैनल में फिर एक बार आया एंड अभी स्लोली स्लोली वो कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि निफ्टी अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए शायद कंसोलिडेटेड जोन में रह सकता है, साइडवेज हो सकता है, और फिर ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा वो तो वैसे भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा लगता है कि बेयर्स एंड बुल्स दोनों कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि हमारी तरफ ले जाएँ, मतलब उनकी प्रेफर्ड साइड पर ले के खींच के ले जाए। सो लास्ट टाइम का जो कैंडल है वो काफ़ी बड़ा कैंडल है, बुलिश दिख रहा है, काफ़ी बहुत बेहतरीन कैंडल दिख रहा है। तो हम लोग इसमें सपोर्ट देखेंगे, हमारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो इंटैक्ट रहेंगे, स्पेशली सपोर्ट इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि सपोर्ट के लिए अभी निफ्टी ने 19435 पर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो हमारे सपोर्ट 19200, 19000 एंड 18888, ये तीन सपोर्ट्स हमारे इंटैक्ट रहेंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पर आपको सपोर्ट हाईलाइट करके दे देता हूँ। एक्चुअली ये सब मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, लेकिन मैं साथ में समझा रहा हूँ और टाइम बचे इसलिए मैं इसको वाइट फॉन्ट में किया है, मैं इसके फॉन्ट का कलर ही चेंज कर रहा। सो एज आई सेड 19200, 19000 एंड 18888, ये तीन सपोर्ट्स हमारे इंटैक्ट रहेंगे एज पर चार्ट यहाँ पर, 1, 2, 3, ठीक है। अब रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस में आप अगर देखें तो मैं प्रीवियस वीक का एनालिसिस दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर प्रीवियस वीक में हम लोगों ने रेजिस्टेंस में 19435 का रेजिस्टेंस बताया हुआ था एंड आप बिलीव नहीं करोगे एग्जैक्टली निफ्टी वहीं पर ही क्लोज हुआ है। तो अब मैं उसको रेजिस्टेंस नहीं बिलीव कर मान सकता, मैं उसे रेजिस्टेंस अभी नहीं बोलूँगा, तो मुझे उसके ऊपर के रेजिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे, मेजर रेजिस्टेंस। तो मैंने मेजर रेजिस्टेंसेस यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं। तो 19435 के ऊपर 525 था, उसके ऊपर 19640 था एंड हम लोगों ने उसके ऊपर एक 19800 का रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है। वो मुझे लग रहा है मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार रिजेक्शन लेने की कोशिश की। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, तो इस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत लिया हुआ है। तो इसको मैं मेजर रेजिस्टेंस के हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैक फॉन्ट में कन्वर्ट करता हूँ एंड मैंने यहाँ पर ये नोट लिखी हुई है कि 19435 हैज़ बीन टेस्टेड ऑलरेडी, उसको एक बार ब्रिज भी किया हुआ है निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे को। सो हम अब उसको रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर की वैल्यूज़ को रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे एंड दीज वैल्यूज़ आर 19525, 640 एंड 800। सो ये तीन हमारे रेजिस्टेंसेस हो गए। अब कैंडल फॉर्मेशन एक बार वेरी क्विकली देख लेते हैं। कैंडल फॉर्मेशन में आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर ये कैंडल जो है ना मुझे बुलिश दिख रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा एंड फिर सडनली ऊपर ले गए खींच के एंड बहुत ही शानदार कैंडल बनाए हुए, उसमें नीचे की साइड पे कहीं पर भी वीक नहीं है। ऊपर की साइड पे थोड़ा सा क्लोजिंग के दौरान थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन आया है, लेकिन कैंडल सीम्स बुलिश, ये डेली टाइम फ्रेम पर हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर हमें कैंडल इस तरह की दिखेगी। यस, 1, 2, 3, 4, 5 कंसेक्यूटिव वीक रेड कैंडल बनने के बाद लास्ट वीक जो था वो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अभी यहाँ पर आया है। मुझे देखो, आप ध्यान से आप देखेंगे, मेरे हिसाब से मुझे ये एक इनसाइड कैंडल लग रही है। वैसे एग्जैक्टली इसको इनसाइड कैंडल नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर आप देखें इसकी बॉडी जो है ना वो प्रीवियस कैंडल की अंदर छुप गई है, तो मैं इसको इनसाइड कैंडल बोल रहा हूँ। अभी इनसाइड कैंडल का फंडा ये होता है कि उसकी प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो, इन दोनों को हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। आने वाली कैंडल जो है वो ये हाई को अगर तोड़ेगी तो मार्केट बुलिश बन जाएगा, और ये लो को तोड़ेगी तो मार्केट इसके इसे थोड़ा नीचे जा सकता है। सो मैंने यही नोट यहाँ पर लिखी हुई है। कैंडल फॉर्मेशन को मैं ब्लैक फॉन्ट में कन्वर्ट करता हूँ। सो मैंने लिखा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल दिख रही है, छोटा सा वीक है टॉप के ऊपर, बायर्स थोड़े सेलर्स की कंपेरिजन में थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो इनसाइड कैंडल बनी हुई है, तो प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई एंड लो है उसके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, चार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो बनते बनते आ रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये एक कंसोलिडेटेड जोन में आ रहा है, तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। सो अवर स्ट्रक्चर इज लोअर हाई लोअर लो, बट वो पॉज लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर पर्टिकुलरली। अब हम लोग बिना टाइम गवाए ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा के लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा सेंसिबल। सेंसिबल में हम लोग सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, तो ये ओपन इंटरेस्ट मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। सो ये खुल गया। करंट एक्सपायरी हम लोग देखेंगे 7 सितंबर का। यस, 7 सितंबर की एक्सपायरी है एंड सेकंड वाला पार्ट ये जो है इसे हमें देखना है। यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे ये ग्रीन जो है ना वो 19300, यहाँ पर बहुत सारे पुट सोल्ड हुए हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अभी। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आप देखें तो बेरिशनेस मुझे यहाँ पे 19500 पे, 19600 पे एंड 19400 पर भी थोड़ी बहुत मुझे दिख रही है। सो ये OI बोल रहा है, प्लस इसका PCR आप देखोगे इस 1.0 यहाँ पर, एंड 1.0 फॉर मी इज़ लाइक बेरिश बुलिश।
तो यही डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको ब्लैक फॉन्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गए 500, 600, 700। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 500, 600 एंड 700। दीज थ्री आर रेजिस्टेंसेस। एंड सपोर्ट्स हमारे लिए हैं 400, 300 और 200। उसमें भी 300 के पीछे मैंने ब्रैकेट में मेजर लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा 400, ये हो गया 300 एंड 200। 300 काफ़ी बड़ी बड़ा बार है, तो इसको हम लोग मेजर सपोर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट एंड PCR इज़ वन विच इज़ बुलिश, राइट। अब FII DII डेटा देख लेते हैं। FII DII डेटा के लिए हमें इसे एक अलग विंडो में, मैं इसे ओपन करता हूँ, अलग विंडो में ओपन करता हूँ। एंड यस, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आप देखोगे तो आउटस्टैंडिंग कॉल्स एंड पुट्स के हिसाब से अभी भी डेटा बेरिश दिख रहा है। नीचे देखते हैं क्या है सिचुएशन। यहाँ पर 1 सितंबर को 13,000 कॉल उन लोगों ने सेल किए हुए हैं एंड 45,000 पुट उन लोगों ने सेल किए हुए हैं। तो डेटा बुलिश है, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे डेटा सिम्स बुलिश। प्लस स्टॉक में उन लोगों ने 487 करोड़ का परचेस किया हुआ है। DII ने भी 2,300 के अराउंड करोड़ का परचेस किया हुआ है। FII इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो 98 करोड़ का परचेस किया हुआ है, जिसमें निफ्टी नेगेटिव है लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। तो ये डेटा है मेरे हिसाब से एक कन्फ्यूज डेटा है, मिक्स्ड रिव्यू वाला डेटा है। तो मैंने यहीं पर यही लिखा हुआ है कि FII DII डेटा जो है अपना, दैट इज़ गोइंग टू बी मिक्स्ड। मुझे मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिख रहा है, बट लिटल बिट बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा है क्योंकि उन्होंने खरीदारी की हुई है। सो ये मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है। एक बार स्टॉक मार्केट कैलेंडर भी देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट कैलेंडर हम लोग कैसे देखेंगे, एनालाइज पर क्लिक करेंगे एंड देन वी क्लिक ऑन स्टॉक मार्केट कैलेंडर। सो स्टॉक मार्केट कैलेंडर में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी तो इवेंट नहीं है ना ग्लोबल कि जो हमारे मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हो। तो दिस इज़ अ स्टॉक मार्केट कैलेंडर। US में कुछ 1 सितंबर को फ्राइडे को था, उसके बाद सीधा 12 सितंबर को है, तो नेक्स्ट वीक देर इज़ नो इवेंट। सो यहाँ पर देर इज़ नो इवेंट इन द वीक, इस तरह से मैंने मीन्स। एंड अब आती है बारी कि हमें नेक्स्ट वीक कौन सा ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो हम लोग एज़ यूजुअल हम लोग आयरन कॉन्डोर प्लान करेंगे। पिछले कई मतलब पिछले 3 वीक से मैं ये बना रहा हूँ। हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाले हैं, 2.2.1%, 0.9%, 1.2%। अब ये नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसमें हम लोग क्या आयरन कॉन्डोर बनाएंगे, उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगी, वो भी हम लोग देख रहे थे। हमारा टारगेट 1% रिटर्न का रहता है। तो यहाँ पर मैं आयरन कॉन्डोर डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लिक करूँगा स्ट्रेटजी बिल्डर पे। सो स्ट्रेटजी बिल्डर पे ये सब क्लियर कर लेते हैं। एंड हम लोग करेंगे एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे 7 सितंबर, क्योंकि हमको नेक्स्ट वीक का करना है। एंड देन वी वांट टू शॉर्ट एंड आयरन कॉन्डोर। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी एक ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, प्रोसीजर कि 19,700 अपर रेंज है, 19,128 लोअर रेंज है। तो मैं 750 एंड 150 का कॉन्डोर बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं 19,750 एंड डाउन साइड में 150 का एक आयन कॉन्डोर बना रहा हूँ। एंड दोनों को मुझे 200 200 पॉइंट से हेज करना है। तो 150 माइनस 100 इज़ 050 एंड एक और हो गया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी दी आयन कॉन्डोर। अगेन द रिटर्न इज़ 1.2%, जो आज सैटरडे है तो आज मुझे 1.2% दिख रहा है। शायद मंडे को ये 1.2 की जगह भी 0.7% या 0.8% भी दिखे। सो मेरे लिए ये ओके है क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन जो है 762 एंड 138 पे है। तो मेरे रेजिस्टेंसेस जो है ना, यहाँ पर जैसे मैंने लिखे हुए रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 19,800 पर एक रेजिस्टेंस है, सो बहुत बड़ा। एंड सपोर्ट यहाँ पर है 19,200 पर, तो उसकी रेंज में आ रहा है ये। सो मेरे लिए ये ओके 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 काइंड ऑफ आयरन कॉन्डोर है। इसमें अगर अगर लॉट साइज़ हम लोग बहुत अच्छी बना दे तो हमको इसमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न पर वीक मिल सकता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी दी आयरन कॉन्डोर। मैं इसको वर्चुअल में ऐड करता हूँ, नहीं इसको अभी नहीं करूँगा मैं वर्चुअल में ऐड। मैं मंडे को जब ये वर्चुअल क्रिएट करूँगा ट्रेड, और उस टाइम पे क्या रहेगा उसका मैं टाइम और वगैरह उसके टाइटल में लिख दूंगा और फिर मैं वो बना दूंगा। बट दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो प्लान। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बुरा है, 16, बट प्रॉबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ 87%। सो विच इज़ अ फैंटास्टिक POP। तो आपको करीबन 50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड यू कैन गेट 585 रुपीज़ रिटर्न आउट ऑफ इट, विच इज़ 1% हार्डली। सो इस तरह की आयन कॉन्डोर है, मैं इसको फटाफट से लिख लेता हूँ, 150 750। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 19,750 कॉल सेल, ठीक है। उसको हैज करेंगे 19,950 कॉल
बाय, देन 19,150 पुट सेल, एंड उसे हेज करेंगे 18,950 है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, यस 18,950 पुट बाय, ठीक है। और क्या क्या डिटेल हम लोग लिखते थे इसमें, हम लोग लिखते थे कैपिटल मैक्सिमम, एक काम कर दो कॉपी कर लेता हूँ, कैपिटल मैक्स मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह वगैरह यहाँ पर कंट्रोल वी, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें 47,893, तो मैं इसको 50,000 पकड़ के ही चल रहा हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा यहाँ पर 585 रुपीज़, विच इज़ 1.2%, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 585 रुपीज़, यहाँ पर मैं अभी 1.2% लिख रहा हूँ, मंडे को जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। मैक्सिमम लॉस अपना कितना रहेगा 9,415 रुपीज़, यार ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत गंदा है, कितना है 9,415, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 9,415 रुपीज़, कितना होता है परसेंटेज में देखें तो 20% माइनस 20%, एंड probability of profit is really good, it's 87%, so I'm happy about 87%, because there are fair chances for us to win, and risk to reward ratio 16, very bad. मैं usually prefer नहीं करता हूँ इस तरह के trade, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए कोई black swan event आ गया तो पूरा लेके चला जाएगा, but this is the encounter which I am suggesting, this is how I do analysis and I take my trades. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, इसका कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरी टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर हैंडल को फॉलो करना मत भूलिए, मैं उसमें रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ, एंड मेरे सितंबर मंथ की बैच स्टार्ट हो रही है, मंडे हमारा ट्रेड है, तो हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं, तो सितंबर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने अगस्त मंथ का एक वीडियो बनाया वो आई बटन में आपको दे रहा हूँ, अगस्त मंथ में हम लोगों ने 44,000 रुपीज़ प्रॉफिट अचीव किया है कंसिडरिंग 10 लॉट वाला ट्रेड, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत कुछ लर्निंग है आपके लिए। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, आप उनके साथ शेयर करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू गुड लक।